ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी पर्व की, क्योंकि जन्माष्टमी पर्व जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोगों के मतभेद मन में चल रहे हैं कि इस व्रत को कब करना चाहिए। तो 6 सितंबर को सबसे अच्छा मुहूर्त बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। तो जो भी लोग इस व्रत को करना चाहती हैं, पूजा को करना चाहती हैं, लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहती हैं, वो 6 तारीख को, आने वाले 6 सितंबर को इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं। बाकी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके मन में चलते रहते हैं, उन प्रश्नों के जवाब भी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि क्या आपको इस दिन ज़रूर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि अगर आपके घर में विग्रह नहीं है, मतलब पीतल की मूर्ति जो है वो लड्डू गोपाल की नहीं है, तो क्या आप पूजा ना करें, क्या आप जन्माष्टमी का पर्व जो है वो ना मनाएं? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी फोटो है, कोई भी तस्वीर है, कोई भी मूर्ति है, कोई भी विग्रह है, मान लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है या आपके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है, तो आप उस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। या विग्रह नहीं है, मूर्ति है, फोटो है, तो आप उनसे पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान शालिग्राम का स्वरूप विष्णु भगवान, श्री कृष्ण का जो अवतार है वो विष्णु भगवान है, मतलब जो भगवान है वो सब एक ही हैं। इसलिए अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है या आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति, फोटो या विग्रह है या आपके घर में शालिग्राम जी हैं, तो आप पूजा जो है वो पूरी विधिवत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि स्नान नहीं करवा सकते हैं। तो फोटो में आपको गंगा जल या पानी जो है वो दूर से ही भाव से ही डालना चाहिए। पता चले आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दें तो जो आपकी फ़ोटो या तस्वीर है वो ख़राब हो जाए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास विग्रह हैं, पीतल की मूर्ति हैं, तो आप उनको स्नान इत्यादि जो है वो करवा सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो खीरा होता है जिससे जन्म करवाया जाता है, बहुत सारे लोग अपने घर की परंपरा के अनुसार कद्दू से या खीरे से, या मान लीजिए पहली बात तो यह है कि खीरा ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। खीरे की जो गर्भनाल है, मतलब जो डंठल होती है, वो जुड़ा हुआ खीरा इस दिन रखना चाहिए। और अगर जो काट के उसके अंदर विग्रह को स्थापित करते हैं फिर जन्म करवाते हैं, तो उस खीरे को, जिस खीरे में भगवान श्री कृष्ण को रखा गया है और जन्म करवाया गया है, या सिक्के से जिस खीरे को काटा गया है, उस खीरे को नहीं खाया जाता है। उस खीरे को क्या किया जाता है, या आप चाहें तो किसी पानी में विसर्जन कर सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी पेड़ के नीचे उसको गड्ढा खोद के जो है वो गाड़ सकते हैं उस खीरे का। बाकी प्रसाद के रूप में जो भी खीरे रखे जाते हैं उनको आप प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं, सुबह जब प्रसाद वितरित किया जाता है तब। जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता है उस दिन, तब तक खीरा जो है वो नहीं खाना चाहिए, विधान ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ स्नान की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल वगैरह नहीं धोनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथ है, जो भी पुस्तकें हैं, उसमें कहीं भी बाल धोने का नियम नहीं बताया गया है। हम जैसा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, बस वैसे ही एक तरीके से सब दूसरों को बताते चले आ रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी ऐसा दिन पड़ जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए, कोई भी व्रत है लेकिन शौच इत्यादि के लिए जाती हैं, मन नहीं करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही कितना बाल रात में धो लो या एक दिन पहले धो लो लेकिन मन नहीं भरता है, ऐसे में सर में पानी डाल के, मान लीजिए आपने बालों में जूड़ा बना रखी है, रबड़ बैंड जो भी लगा रखा है, लेकिन आपको सर से स्नान करना ही चाहिए और उसके बाद पूजा करना चाहिए। बालों को बांध के या मान लीजिए धोना, या किसी भी नदी या किसी सरोवर में स्नान करना डुबकी लगा के, इसमें कोई भी दोष नहीं बताया गया है। और जहाँ तक बालों को खोल के ना या बालों को धोने का विधान जो है वो किसी पुस्तक में अभी तक वर्णन नहीं किया गया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, तो बहुत सारे लोग इसको निराजली करते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार करके करते हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से इस व्रत को करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपके घर की परंपरा है, शुरू से जैसा करते चले आ रहे हैं, उस प्रकार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत का पारण कब करना चाहिए, तो जन्माष्टमी 12 बजे भगवान श्री की पूजा हो जाती है, उसके बाद व्रत का पारण कर दिया जाता है, मतलब प्रसाद खाकर ही इस व्रत का पारण
किया जाता है। बहुत सारे लोग इस व्रत का पारण सुबह करते हैं, तो वो आपके घर की परंपरा के अनुसार है। हमारे यहाँ रात में ही जैसे ही लड्डू गोपाल का जन्म हो जाता है, उसके बाद प्रसाद खाकर हम लोग अपना व्रत का पारण जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस व्रत को रात में ही खोल लेना चाहिए, पूरे रात रखना चाहिए, मतलब सुबह से रात तक रखना चाहिए कि मतलब रात में ही खोल लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि लड्डू गोपाल का जन्म हो जाने के बाद में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। बाकी आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिए कि आपके घर में कैसा नियम जो है वो बनाया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न है कि इस साल नया व्रत उठा सकते हैं, जन्माष्टमी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इस दिन इस साल अधिक मास या मनमास लगा था तो व्रत पूरे साल नहीं उठाया जाएगा, तो ये आपको आधी और अधूरी जानकारी दी गई है। आप अपने पुराण उठा के पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि बाकायदा उसमें बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है कि जो भी व्रत मनमास का जब महीना पड़ता है, मनमास के बीच में जो भी व्रत पड़ते हैं उस महीने में नहीं उठाए जाते हैं, बाकी आगे और पीछे जो व्रत हैं वो उठाए जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। साथ ही साथ इस दिन शंख जो है वो जरूर बजाना चाहिए, शंख बजाने का विधान इस दिन बताया गया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि स्त्रियाँ शंख बजा सकती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, पुरुषों को ही शंख बजाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी आएगा कि नहीं, हमारे घर में तो बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बजाती हैं, शुरू से मैं देखती चली आ रही हूँ, तो बजाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है, बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो स्त्रियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कोमल होती हैं, और जब वो शंख बजाती हैं तो उनकी कोई एक तरीके से मैं बताऊँ शारीरिक जो क्षमता है वो कहीं से कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जो शंख है वो स्त्रियाँ नहीं बजाती हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि मतलब जो स्त्रियाँ होती हैं उनको कोमल बनाया गया है, साथ ही साथ जो शिशु को जन्म देती हैं तो अगर शंख बजाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कोई शंख, क्योंकि शंख जब बजाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जोर की आवश्यकता पड़ती है, तो कोई परेशानी ना हो गर्भावस्था के दौरान, इसलिए जो भी माताएं हैं वो शंख नहीं बजाती हैं। लेकिन जो भी बुज़ुर्ग माताएं बहनें हैं, मान लीजिए कि बजाना चाहती हैं तो वो बजा भी सकती हैं, उसमें कोई हर्ज जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मैं आपको दे रही हूँ कि आपको इस प्रकार से जो व्रत है वो करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी माताओं बहनों को आने वाली जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।